राकेश शिंदे हमारे साथ है। राकेश, आई थिंक फिगर प्राइमर फेसिया कैसी लग रही, पहले आप तो बताइए कि जो बॉटम लाइन की फिगर है, जो एनपीएस है, ग्रॉस एनपीएस अप्रोक्सीमेटली 26 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन है वहां पे, आप कैसे रीड करते हैं इन फिगर्स को? नो, ओवरऑल रिजल्ट काफी अच्छा है, बिकॉज हम लोग का एक्सपेक्टेशन था 10% पैट लेवल ऊपर आएगा, तो अभी तो काफी उनका 11% अराउंड पैट लेवल, 12.4% पैट लेवल ऊपर आया है, प्लस एनआईए में काफी अच्छा ग्रोथ है, 22% एनआईए में ग्रोथ है, और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट क्वार्टर भी उनका ग्रॉस एनपीए फ्लैट थे, और ये टाइम 3.05% आया है वर्सेस 3.08% सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो काफी अच्छी बात है। जस्ट यही है कि उनका नेट एनपीए थोड़ा बड़ा है लास्ट सिक्वेंशियली, बिकॉज 0.85% से 0.94% आया है, मेनली बिकॉज उन्होंने कंपेरेटिवली थोड़ा प्रोविजन कम किया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे जाए तो प्रोविजन थोड़ा कम किया है उनके हार्डली 0.2% ऑफ देयर एडवांसेस, जो कि आईसीआईसी बैंक में काफी हाई है, 2.1% ऑफ ओवरऑल देयर एडवांसेस, और उनका जो रिस्ट्रक्चरिंग पाइपलाइन है वो अगेन 2000 करोड़ का है। अभी ऑलमोस्ट 6800 करोड़ का ऑलरेडी रिस्ट्रक्चर असेट्स है, और 2000 करोड़ पाइपलाइन में है, तो आई थिंक एचडीएफसी विल बी द सेफर बेट। ओके, एचडीएफसी सेफर बेट होगी, लेकिन मोटा मोटी आप मानते हैं श्रीदेव की सिंधु साहब की ये जो आईसीआईसी बैंक के नतीजे हैं ये खराब नहीं है किसी भी कसौटी पे? हाँ, जो जी हाँ, नेट एनपी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश। प्राइमर फेस अगर आप देखें, एक जो आपको